शाम निदेशक जी शंकराचार्य नगर कैंपस से शंकराचार्य ग्रुप ऑफ स्कूल से राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में, सेवा क्यों आवश्यक है इस बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ये पूरी ब्रह्मांड जो आए वो सबसे पहले एवोल्यूशन जो हुआ वो मैटर के रूप में हुआ, जो यूनिट हुआ था, और उसके बाद जो एवोल्यूशन आया वो पेड़ पौधे के बारे में आया। तो एग्जिस्टेंस में हमें ये समझ में आया कि पेड़ पौधों को मटेरियल्स की ज़रूरत है, लेकिन मटेरियल्स को पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं। तीसरा एवोल्यूशन पशु पक्षी कीटक के रूप में आए, और जो चौथा यूनिट आई वो मनुष्य के अस्तित्व के रूप में आए। तो हमें ये यहाँ पे समझ में आता है कि मटेरियल्स को बाकी तीन यूनिट की आवश्यकता नहीं थी, पेड़ पौधों को मटेरियल्स की आवश्यकता थी, लेकिन पशु पक्षी की आवश्यकता नहीं थी। पशु पक्षी को पेड़ पौधे और मटेरियल्स की आवश्यकता थी, लेकिन जो चौथा यूनिट हमारा मनुष्य के रूप में आया उसे तीनों चीज़ की आवश्यकता थी, पशु पक्षी पेड़ पौधे और मटेरियल, लेकिन इन तीनों यूनिट्स को मनुष्य की आवश्यकता नहीं थी। तो मनुष्य हम एक डिजायरेबल रूप में आए, तो अपने को अस्तित्व को बचाने के लिए हमें इन तीनों की सेवा करने की आवश्यकता है। इसलिए सेवा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेवा एक शब्द नहीं, सेवा एक अभियान है, एक आंदोलन है। मैं सभी से जरूर अनुरोध करूँगा कि इस सेवा को आगे बढ़ाइए और अपने अस्तित्व को बनाए रखें। जय हिंद। मैं देवी सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ स्कूल भिलाई। जैसे कि सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है कि समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास और स्वयं से पहले आप, ये देख को रखते हुए हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने बहुत सारे कार्य किए। जैसे कि हमने समय पहले जो हमारा एक बोध ग्राम है वहाँ पर इम्पैक्ट एजुकेशन के नाम से एक योजना चलाई, जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन के रूप में विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स को हम लोग तैयारी कराते हैं। दूसरा हमारा इकाई जो है वो 2017 से डिजिटल इकाई है। सारे कार्यक्रम से और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सब हम डिजिटल के माध्यम से करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई, उसमें भी हमारी इकाइयों ने, हमारी इकाई के बच्चों ने विभिन्न गांवों में जाकर जो हमारे गोद लिए हुए गाय हैं उनमें जाकर अपने एक महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट किया। इसी के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ कार्यक्रम के अंतर्गत हमको एक कार्यक्रम दिया गया, उसको भी हमने गाँव में जाकर कम्प्लीट किया। इसी के साथ साथ जो हमारा वृक्षारोपण है, स्वास्थ्य शिविर हैं, प्रत्येक वर्ष हम 2 से 3 स्वास्थ्य शिविर हमारे बोध गाँव में लगाते हैं और उसके साथ जो भी डिफ़िकल्टीज होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अस्पताल तक उनको पहुंचाते हैं। इसके बाद हम लोग का जो एक अभी करंट में जो एक ऐप बनाया है हमारे राज्य सरकार के द्वारा, उस शिक्षा विभाग के द्वारा एक कर्तव्य ऐप का निर्माण किया गया है। उस ऐप के माध्यम से बुजुर्गों की सेवा के लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप को हमने पब्लिक तक पहुँचाया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसके माध्यम से हम लोग ने समाज में, गांव में और हर स्तर पर, रूरल एरिया पे और अर्बन एरिया दोनों में बहुत सारे कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। मैं इस माध्यम से सभी को, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और स्वयंसेवक हैं, उन सबको बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आकर हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे जैसे बच्चे हैं अभी बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू देते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जो पेशेंस और जो सेवा भावना हमने NSS से सीखी है वो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा अपने कि वो अपना कार्य और इस उपलब्धि के लिए मैं भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको इस अवार्ड के लिए चयनित किया और अवार्ड दिया गया। धन्यवाद। चयन। धन्यवाद।